हुजूर अल्लाह की रहमत का आलमगीर बादल हैं। हुजूर अल्लाह की रहमत का आलमगीर बादल है। हुजूर के फरामीन, हुजूर के इरशादात, ये उस बादल की बारिश है आगे से। औलिया उस बादल से सराब होने वाले समंदर हैं, दरिया हैं। औलिया उस बादल से, हुजूर अल्लाह की रहमत का आलमगीर बादल हैं। तो औलिया उस बादल से सराब होने वाले दरिया हैं, समंदर हैं। कोई जमीन खाक कैसी हो, वो कभी भी बादल से बेनियाज नहीं हो सकती, बारिश से बेनियाज नहीं हो सकती। कोई खा अल्लाह की मखलूक में किसी मकाम पर हो, वो हुजूर से बेनियाज नहीं हो सकता, मुस्तफा से बेनियाज नहीं हो सकता, मुस्तफा से बेनियाज नहीं हो सकता, हुजूर से बेनियाज नहीं हो सकता। अल्लाह की मखलूक में खा कोई किसी मकाम पर हो, वो हुजूर से बेनियाज नहीं हो सकता। शरिया को हुजूर से बेनियाज नहीं हो सकता। जड़, जड़ के साथ जिस टहनी का ताल्लुक हो, टहनी चाहे आखिरी सिरे वाली हो चाहे इब्तिदा वाली, जो टहनी जड़ से जिसका ताल्लुक सलामत होगा, अब उसको जो खाद मिलेगी, पानी मिलेगा, उस जड़ के तुफैल, उसके सदके, उसके जरिए मिलेगा, उस टहनी को हरा भरा रखेगा। अगर टहनी का ताल्लुक अपनी जड़ से टूट गया, वो टहनी जमीन पर गिर पड़े, अब एक मुठ खाद नहीं, उस पर पूरा तोड़ा भी लगा दो, पूरा नाला भी पानी का दे दो, उस टहनी को हरा भरा नहीं कर सकता। क्यों? उसको खाद और पानी मिले जड़ के सदके, जड़ के वसीले से, जड़ के तवस्सुत से, फिर वो हरी भरी रहे। अगर उसको जड़ से कट कर पूरा तोड़ा खाद का दो, नाला पानी का लगा दो, वो टहनी कभी भी हरी भरी नहीं रह सकती, नहीं होगी। उम्मती, वो जिसका ताल्लुक हुजूर से सलामत है, चाहे वो पहली सदी का हो चाहे आखिरी सदी का हो, उम्मती वो उम्मती हरा भरा होगा, वो उम्मती हरा भरा होगा। जिसका ताल्लुक हुजूर से कट गया, वो उस टहनी की तरह है जो जड़ से कट गई, उसका इलाज क्या है, उसे तोड़ मोड़ कर चूल्हे का ईंधन बना दिया। बेशक बेशक। जिसका ताल्लुक अपने नबी से कट गया, जिसका ताल्लुक अपने नबी से कट गया, अपने मरकज से कट गया, अब उसका इलाज ये है कि उसे तोड़ मोड़ कर दोजख में डाल दिया जाएगा। टहनी वही सलामत होगी, टहनी वही सलामत होगी जिसका ताल्लुक अपने मरकज से साबित होगा, अपने मरकज से सलामत होगा, टहनी वो सलामत रहेगी। जिस्म है ना, जिस्म के वतन कई हो सकते हैं, जिस्म का वतन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इराक, ईरान, जिस्म के वतन कई हो सकते हैं, पर दिल का एक ही वतन है। जिस्म के वतन कई हो सकते हैं, पर दिल का वतन सिर्फ यार की गली है, दिल का वतन यार की गली है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिही, अल्लाह ने किसी इंसान के अंदर दो दिल नहीं बनाए, दो दिल नहीं बनाए, गुर्दे बनाए दो, आंखें बनाई दो, नाल बोलो गुर्दे बनाए दो, ऊंची सारी बोलो गुर्दे बनाए दो, आंखें बनाई दो, हाथ बनाए दो, पांव बनाए दो, कान बनाए दो। क्यों? एक काम ना करे तो दूसरा कर दे, एक काम ना करे दूसरा करे, पर दिल बनाया एक, दिल बनाया एक, महबूब भी बनाया एक, दिल भी बनाया एक, महबूब भी बनाया एक, ताकि अपने दिल की धड़कनों में तुम सौ महबूब ना हो।